हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम पढ़ेंगे ब्याज वृद्धि, इंटरेस्ट में गेन। ठीक है, ब्याज में वृद्धि क्या होता है ये आपको पहले ही क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको भी हम फार्मूले के साथ और बिना फार्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब सॉल्व करेंगे। 800 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन होगा। ठीक है, तो ब्याज में वृद्धि वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो पहले जो है बिना फार्मूले के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बिन फिर फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां जो है प्रिंसिपल क्या है, 800 रुपया है। 800 रुपया जो है दो वर्ष के ब्याज के हिसाब से जो है ये हो गया 920 रुपया। तो 920 रुपया होने में कितना रुपया इसमें ऐड हुआ होगा, इसका मतलब इसमें 120 रुपया ऐड हुआ होगा, तब 920 होगा। ये जो है 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 वर्ष का है, 1 ईयर का क्या हो जाएगा, तो 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ईयर का निकल जाएगा। ठीक है, 1 ईयर का निकल जाएगा। अब हमें ये जो 60 जो है 800 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे तो हमें रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 60 800 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे तो हमें रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ये। ठीक है, अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा 7.5। ठीक है, तो 7.5% ये इसका रेट है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि अगर 3% और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 7.5 में अगर हम 3% ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.5%, इसका मतलब 10.5%, तो 10 ऑफ 1/2% हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ वृद्धि कर दी गई। तो अब मिश्र धन क्या होगा, ठीक है, अब मिश्र धन क्या होगा, तो ठीक है, इस बार 800 रुपये के ऊपर हम 10.5% रेट लगाएंगे। ठीक है, तो 800 का 10.5% का रेट लगाएंगे। ठीक है, 800 को परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना परसेंट बनाना, 10.5%। ठीक है, 10 ऑफ 1/2 को हम लिख सकते हैं 21/2 लिख सकते हैं। क्या हो गया, 21/2 इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गया, अब क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो गया। अब 24 का मल्टीप्लाई 21 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 84। ये जो हो गया 84 हो गया 10.5% रेट के हिसाब से। हमें रेट कितने 2 ईयर का चाहिए ना, तो ये 1 ईयर का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ईयर का रेट निकल जाएगा। तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 2 4 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 168। ठीक है, तो ये जो है नया वाला सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब मिश्र धन क्या होगा, मतलब कि अमाउंट क्या होगा, पहले तो 800 रुपये के ऊपर 10.5% 2 वर्ष का रेट लगाया गया, 10.5% 2 ईयर का रेट लगाया गया, तो ये हो गया 168 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 968 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, सेम एकदम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्षों में 480 हो जाता है। ठीक है, तो 480 रुपया बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 400 रुपये में कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, 80 रुपया ऐड होगा तब ना 480 हो जाएगा, तो 400 से 480 बनने में 4 वर्ष लगा। ठीक है, तो ये 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 20 चौके 80 होता है। ठीक है, तो अब नया वाला, अब ये जो इस 20 जो है
400 का कितना परसेंट ये निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये जो है 400-480 बनने में नया वाला रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिया तो 4×5=20, तो ये 5% रेट आ गया। अब इसने बोला है कि यदि ब्याज की दर में 2% की बढ़ोतरी कर दी जाए, ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद तो ये 5 आया था, 5% 400-480 बनने में रेट आया था, तो 2% रेट और बढ़ा देंगे तो नया वाला रेट क्या हो जाएगा, 7% आ जाएगा। ठीक है, अब 400 रुपए के ऊपर 7% रेट लगाएंगे। ठीक है, तो 400 रुपए का 7% बनाने के लिए पहले तो 100 से डिवाइड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7% बनाने के लिए, इसको डिवाइड करेंगे, 7×4=28 हो गया, सच्चे 28। ठीक है, ये हो गया 28, ये नया वाला आ गया। फिर हमें कितने वर्षों के लिए चाहिए, 4 ईयर के लिए। ठीक है, तो 4 ईयर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4×8=32 हो गया, 4×2=8, 8×11 ठीक है, 112 हो गया, 4×8=32, 3 हो गया, 4×2=8=11, ठीक है, 112 हो गया। तो ये जो नया वाला जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 112 रुपया, तो अब 800 में 112 ऐड कर देंगे प्रिंसिपल के साथ, नहीं 400 के साथ, हाँ 400 के साथ ये नया वाला सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले सभी क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में जो है रेट जो है प्लस हो रहा था, बट इसमें जो है रेट कम हो गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7/3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 मतलब 61.5 रुपए की कमी आ गई है। ठीक है, तो उसकी पूंजी है, ठीक है, तो इसमें जो है मूलधन निकालना है, तो पहले तो ये देखेंगे 8% से 7.5% आई तो कितना परसेंट की कमी आई ये पता करेंगे। ठीक है, तो 8 में से अगर हम 7.5 नहीं 7/3/4% है ना, तो 8 में से हम 8/1 इसको लिख सकते हैं, 8 में से हम अगर हम 7/3/4% को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो कमी आई है परसेंटेज में वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27/28 / 31/4 ठीक है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 31/4 ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4×8=32 इसको क्या लिख सकते हैं, 4×32 31/1/4 ठीक है, 32 - 31 तो 1/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 ठीक है। तो ये जो है इतने की कमी आई है, ठीक है, जो कमी आई है वो कितना रुपया है, 61.50 रुपया मतलब कि 61.5 रुपया है। ठीक है, तो जब 61.50 रुपया 1/4 के बराबर है, 1/4 है, तो 100% क्या होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है, 100% निकाल लेंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, 61.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 61.50 को लिख सकते हैं 61.5 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 61 दूनी क्या हो गया, 6×2=12 123 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 123/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4×2=8 हो गया, सही है, सही है, तो यहां बचा है 2×2=4 ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×3=6 हो गया, 2×3=6 हो गया, 2×2=4 हो गया, 2×1=2 हो गया। ठीक है, 246×100 तो इसको अगर 246 में 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 246 आ जाएगा, 20 इसका लग जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका आंसर है। तो इसमें से कहा है 246,600। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें भी जो है वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इसको हम फार्मूले के साथ भी और बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। ठीक है, 40% वृद्धि होने का क्या मतलब है? अगर हमने मान लिया कोई 100 रुपीज है, ठीक है, उसमें 40% की वृद्धि मतलब 40 रुपये उसमें और ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 140। ठीक है, ये जो 40 है 5% के बराबर। ठीक है, 40 जो है सिंपल इंटरेस्ट है जो 5% है। तो ठीक है, तो अब फार्मूला से इस पे रखते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। ठीक है, इस तरीके से है। तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले पर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज़ है और प्रिंसिपल क्या है 100 रुपीज़ है, रेट क्या है 5% है यहाँ भी दिया गया है, और टाइम क्या है हमें यही निकालना है 100 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, 5 8 जा 40। ठीक है, तो 8 वर्ष। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया 8 ईयर। ठीक है, ये तो रहा फार्मूले से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना फार्मूले के भी यही होगा, 100 रुपये का सामान में 100 रुपये में अगर 40% की वृद्धि होगी तो इसमें 40 ऐड हो जाएगा, इसका मतलब वो हो जाएगा 140। ठीक है, ये जो 40 जो है 5% है, अगर 40 को अगर हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना रुपया, तो 5 8 या 40, तो 8 वर्ष ये टाइम आ जाएगा, ये है। ठीक है, तो आंसर होगा ये वाला। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन में जो है रेट बढ़ रहा था, बट इस क्वेश्चन में रेट जो है घटेगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। साधारण ब्याज की दर से 675 का 4 वर्षों में 837 रुपये मिश्रधन हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि होगी। ठीक है, मतलब 675 रुपया 837 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड हुआ होगा कि 837 बन गया। ठीक है, अगर 837 में से 675 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, 713। ठीक है, 162। ठीक है, 162 रुपया ऐड हुआ होगा। 162 रुपया ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तब जाके ये मिश्र धन आया है, ये प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट। ठीक है, वो कितने वर्षों में हुआ, 4 वर्ष में हुआ, 4 ईयर में। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना फार्मूले से भी। ठीक है, फार्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 162 है, और क्या है प्रिंसिपल क्या है 675 है, और टाइम रेट क्या है नहीं पता है, रेट निकालना है, टाइम क्या है 4 ईयर है, यहाँ भी 4 ईयर है, और 100 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100 हो गया, 25 को इससे डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, 27 को इससे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इसका मतलब है R equal to 6। ठीक है, रेट आ गया है 6%। अब इसने क्या बोला है, अगर रेट, अगर ब्याज की दर रेट को अगर 2% घटा दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसमें से 2% घटा देंगे तो रेट नया वाला रेट आ जाएगा 4%। ठीक है, अब नया वाला रेट 4% आ गया, अब किसके ऊपर अप्लाई होगा, 4 ईयर के लिए 675 के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो फिर वही काम करते हैं। ठीक है, तो अब 675 प्रिंसिपल है, रेट क्या है 4 है, टाइम क्या है, टाइम भी 4 है, और 100 है, ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, 25 चौका 100 हो गया, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, 27 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 27 का मल्टीप्लाई 4 के 4 सत्ते 28 के 8 2 4 दूनी 8 2 10 108 रुपये आ गया। ठीक है,
108 रुपया ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है ना। और 108 रुपया अगर 675 मतलब मिश्रधन में ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 675 इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 का 3 यहाँ से बचा 1 + 7 = 1 8 हो गया, 6 × 1 = 7 हो गया 783। ठीक है, तो ये वाला आंसर है, तो ये वाला आंसर यहाँ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।